सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, फोकस से होकर पास कर जाएगा। फॉर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। दूसरा रूल जो है आपका ये बोलता है कि मान लो ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैरेलल आ रहा था तो फोकस से पास कर गया, मान लो आपका फोकस से होके ऐसे हो रहा है और ऐसे फोकस होके जा रहा है, तो क्या होगा, फोकस से होके जब जाएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल जो है वो ये बोलता है कि इफ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दैन विदाउट एनी डेविएशन वो जैसे जा रहा था वैसे ही सीधा निकल जाएगा। एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर का जो डेफिनेशन होता है ना वो यही होता है, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल द रेज पासिस अनडेविएटेड। तो यार हमने क्या कहा, फिर से आप सुन लो कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ से जाने वाली जितनी भी रेज होती है ना वो अनडेविएटेड वहाँ से निकल जाती हैं, मतलब कि कोई डेविएशन नहीं होता है, कोई डेविएशन नहीं होता है, ऐसा सीधा निकल जाता है।